देखिए इसमें कल भी आते मैंने इसको बिग स्टॉक्स में पिक किया था और आज भी सुबह मैंने एक चीज़ बोली थी मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ हो हो क्या जाता है हर कोई आइडिया पर बेट कर रहा है जबकि क्वाइटली भारतीय मैं आप हाँ. देखिए इस साल भारतीय साठ परसेंट ऊपर है और वोडाफोन आइडिया फ्लैट है और हर लेवल पर इसने पैसा बना के दिया अब मैं बताऊँ आपको यहाँ पर अब मार्केट का एक बेसिक एक्जम्पन क्या है अगर वो ए वाला मामला जो है अगर तो वापस उस पर क्यूरेटिवली एडमिट हो गई मान लीजिए तो फ़ायदा तो दोनों कंपनियों को होगा ऐसा तो नहीं अकेला आइडिया का एजीआर था सबका था ए जी आर तो वो फ़ायदा होगा लेकिन अगर नहीं हुई तो मार्केट ही मान के चल रहा है कि पहले भी सही हुआ ऐसा हुआ था कि भारतीय की बैलेंस शीट के लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है और भारतीय फिर भी उसको बचा लेगा मैं अभी भी यही कह रहा हूँ यहाँ पर भी कि टेलीकॉम स्पेस में बहुत पैसा बनेगा आपको और टेलीकॉम में क्या होता है टेरिफ हाइक भले ही दिखने को वो पचास रुपये की साठ रुपए की होती है परसेंटेज टर्म्स में वो काफ़ी कुछ ऐड कर दिया आपके नंबर्स में और ये काफ़ी कुछ नंबर्स में ऐड करेगी भारतीय एयरटेल के आगे जाते हुए और भारतीय एयरटेल में आगे जाकर ये एक इनक्यूबेटर कंपनी भी है यहाँ से दो और कंपनियाँ भी निकल कर आगे लिस्ट होंगी तो ये एक और रीज़न है कि ये एक ये उस तरीके का स्टॉक है भारतीय एयरटेल जिसको आप रोल ओवर करें हर सीरीज़ में इसको रोल ओवर करते जाइए कोई ऐसी सीरीज नहीं रही है जिसमें इसने आपको लॉस करके दिया है मोर और लेस हर सीरीज में इसने आपको प्रॉफिट बना के दिया है और एक मेरे ख्याल से ये और इंडिया दो ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनका सबसे कंसिस्टेंट चार्ट है लार्ज कैप्स में तो अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी को पैसा वोडाफो में बनाना है भारतीय में नहीं बनाना वो थोड़ा सा बोरिंग स्टॉक में वो... पैसा बनाने में सबको लगता है कि नहीं थोड़ा सा रिस्क लेके क्या, बनाया क्या बनाया पैसा लेकिन इसने बहुत पैसा बनाया विदाउट एट डाउट